यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये जो अवसर दिया है हमको मेरा गवाही बताने के लिए। मेरा नाम शताब्दी बैनर्जी है। मेरा जन्म कलकत्ता के नगरी में हुआ है। मेरा जो परिवार है, मैं बहुत एक धार्मिक परिवार से मैं आती हूँ। मेरा दादाजी, जब हमारे घर में एक पूजा का एक अलग कमरा है, जैसे कि हर हिंदू लोगों के घर में होता है, तो वैसा ही एक पूरा कमरा जो है वो पूजा घर है। तो उसमें मेरा दादाजी, मैं जन्म से मैं देखी हूँ कि मेरा दादाजी ऐसे बैठे हुए होते हैं और वो बहुत ऐसे कि मंत्र वगैरह सब पाठ करते हैं। तो हमेशा मैं जन्म से मैं ऐसे हमारा परिवार में देखे हैं कि हर पूजा हर दिन मेरा परिवार में मेरा दादाजी मेरा पापा हमेशा के पूजा में पाठ में हमेशा लगे रहते हैं। वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे और बहुत छोटी उम्र से मेरे जीवन में उनका एक बहुत एक बड़ा रोल था। तो मेरा जन्म जब हुआ था, मेरा मम्मी थोड़ा उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैं बहुत बीमार थी। मम्मी बताते थे और मेरा दादी माँ भी बोलती है कि मैं बहुत बीमार थी। और फिर बहुत वो लोग कोशिश किए, दवाई वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा था। तो आखिर में मेरे को जो हमारा वेस्ट बंगाल में जो काली माता है उनके चरणों में दे दिया, बोला कि तुम आपको मैं ये दान में ये बेटी देती हूँ। तो ये तो मेरा ऐसे जन्म से मेरे को काली माता के चरणों में दे दिया और उनको अर्पण कर दिया। तो और मेरा जन्म जो है वो रामकृष्ण के जन्मदिन में ही है। फरवरी 18 में मेरा जन्म हुआ। और आप अगर रिसर्च करेंगे, रामकृष्ण जो है हमारा जो पारिवारिक जो गुरु है, मैंने हमारा परिवार जो है रामकृष्ण मिशन का सब दीक्षा लिया है, तो उनका जन्मदिन में मेरा जन्म हुआ है। जन्म से मेरा जो काली माता के चरणों में मेरे को अर्पण किया है। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा धार्मिक थी। 2 साल के उम्र से मैं मुझे बताया मेरा दादी माँ बताते हैं कि मैं ऐसे मेडिटेशन करती थी, मैं ध्यान में लगी रहती थी। और मैं इतना ज़्यादा मैं रिलीजियस थी कि 6 साल की उम्र से मैं बिना पानी पिए बिना खाना खा के मैं उपवास करती थी। और हमारे घर में जब पूजा वगैरह होता था, कभी कभी जैसे कि कभी किसी का तबीयत ख़राब है तो कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरा दादी माँ या फिर मम्मी बोलती थी कि ठीक है हम छोटा करके ऐसे पूजा करेंगे, मगर मैं बोलती थी नहीं, ऐसे बड़ा करके पूजा करना है। क्योंकि हमारा जो इच्छा था, मेरा जो इच्छा था कि मैं ये जो देव देवी को मैं खुश करूँ, ताकि ऐसे कुछ पाने के लिए नहीं, मगर बस उनको उनके पास जाने के लिए, उनको ताकि मुझे मुक्ति मिले, ताकि मुझे जो ईश्वर है उसको मैं उसके पास में और जा सकूं। तो ऐसे में थी, तो मगर धार्मिक तो थी, मगर कभी कभी मैं बहुत शरारत भी करती थी। और मगर उतना ज़्यादा कुछ नहीं, मगर फिर भी जब मैं शरारत करती थी तो बहुत छिपके में करती थी, कभी किसी को पता नहीं होता था कि मैं कितना शरारती थी। जब मेरा दादाजी दादी जी पापा मम्मी देखते थे, हमको बोलते थे कि जैसे कि मैं स्वर्ग के परियों जैसी हूँ, और मेरे जैसा और कोई मैंने पूरा मोहल्ले में ऐसा नहीं था। मगर जैसे मैं ऐसे बड़ी होती गई, मुझे ये धार्मिक बनने का मेरे को बहुत ये था कि मुझे परमेश्वर को जानना है, मुझे सच्चाई को जानना है, मुझे ईश्वर कौन है। और ये सब मेरे को बहुत मेरे दिल में ऐसे बहुत ऐसे आने लगा ये प्रश्न। और जब मैं देखती थी ये सोसाइटी में हम जब ब्राह्मण हैं, तो मेरे घर में जब कोई नौकर या फिर कोई आते हैं तो उनको हम लोग हमेशा नीचा करके देखते थे। या फिर स्पेशली जब हमारे घर में जो जमादार यानी जैसे बाथरूम जो सफाई करते हैं, वो लोग जब आते हैं
तो कभी हम लोग क्या करते हैं ना, उन लोग को छूते नहीं हैं। उन लोग जब जाते हैं बाथरूम वगैरह सफाई करके, फिर उसके बाद हम लोग पूरा पोछा लगा के ऐसे गंगा के पानी छिलकते थे। तो हमेशा मेरा दिल में ये प्रश्न आता था कि किसने बताया कि वो लोग हमसे नीचा है, किसने बताया कि हम उनसे अच्छा है। उनका भी दो आँख, हम लोग का भी दो आँख, हम लोग मेरा भी एक नाक है, उन लोग का भी दो एक ही नाक है, दो नाक तो नहीं है ना। तो ऐसे जब हम सोचते थे तो ये सब हमारा बहुत दिल में ऐसे प्रश्न आता था। मगर हम ऐसे जब बड़े होते गए, रामायण महाभारत सब हम लोग ऐसे पाठ करते थे। फिर जब मैं बड़ी हुई और भी थोड़ा सा मैं और भी जो हिंदू वगैरह जो पुस्तक है वो सब हम पढ़ते थे। ऐसे पढ़ते पढ़ते हम हमारा दिल में ऐसे हम लोग हमको ये कहता था कि हाँ, हमको हिंदू जो है जो धर्म है उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, मगर दूसरा धर्म के बारे में हम क्या करते थे, हम रिसर्च करते थे। हम ऐसे दूसरा किताब या फिर वेबसाइट में जाके उनके बारे में पढ़ते थे, मगर उतना ज़्यादा भी नहीं, मगर थोड़ा बहुत हमको ये जानना था कि क्या है सच्चाई। फिर जब मैं चौथी क्लास में थी, थोड़ा बैकअप करके मैं बताती हूँ, जब मैं चौथी क्लास में थी, मेरा परिवार में हमेशा क्या है ना, क्रिसमस मनाते थे। जन्म से हम देखा कि हमारे परिवार में क्रिसमस वगैरह या फिर बुद्ध जयंती या फिर कुछ भी धर्म का हो, हम लोग हमेशा मनाते थे। क्योंकि हमारा परिवार में जो टीचिंग था कि जो रामा कृष्ण का शिक्षा है कि ईश्वर एक है, हम लोग भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं। कोई उसको कृष्ण पुकारते हैं, कोई मसीहा बुलाते हैं, कोई अल्लाह बुलाते हैं, तो एक ही है। और हर धर्म जो है भिन्न भिन्न मार्ग है एक ही लक्ष्य में पहुंचने के लिए। जैसे कि भिन्न भिन्न जो नदी है और या फिर जलधारा है, ये सब एक ही समुंदर में जाता है। वैसे ही हमको ऐसे हम लोग को मानना था। तभी हमको हमेशा ये था कि सब धर्म एक ही है। और हमको कभी कभी गुस्सा भी आता था कि क्यों क्रिश्चियन लोग ऐसे कन्वर्शन करते हैं। तो ऐसे जब हम सोच रहे थे और ऐसे ऐसे सोच में मैं बड़ी होती गई। तो जब मैं नर्सरी से लेके दसवीं क्लास तक, दसवीं कक्षा तक मैं एक हिंदू स्कूल में पढ़ाई करती थी। फिर इलेवेंथ क्लास में मेरे को एक मैं एक मसीही स्कूल में गई, मगर वहाँ पे उतना कुछ मसीहत के बारे में मैंने नहीं सीखी। मगर मेरा एक दोस्त हुआ जो कैथोलिक परिवार से उसका आना था, मगर उसका तो वो कभी बाइबल पढ़ी नहीं थी, उसका भी उतना कुछ उसके जीवन से भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं सीखी। मगर मेरे दिल में ऐसा है कि एक प्रश्न आया कि हमको हिंदू धर्म के बारे में कुछ तो पता है, मगर ये मेरा जो दोस्त है उसको उसके धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है। तो मेरे जब चौथी क्लास में थी तो मेरे मम्मी ने मेरे को एक बच्चों लोगों का एक बाइबल दिया था, जिसमें सिर्फ वो बाइबल नहीं था, जैसे कि वो सिर्फ जैसे कि पिक्चर्स और उसका जो स्टोरी जो है, जो कहानी है, छोटा करके ऐसे दिया हुआ था। तो वो मेरे को मम्मी चौथी क्लास में दी थी, मगर मैं कभी पढ़ी नहीं थी। तो ये जब मैं मेरा जब ये इलेवेंथ ग्यारह क्लास में ग्यारह कक्षा में मेरा जो दोस्त मिला, तो जब उसके बारे उसके साथ में दोस्ती ऐसे में थी, तो मेरा मम्मी हमेशा वही समय में, उसको ऐसा पता नहीं था कि मेरा एक ऐसे कैथोलिक का दोस्त है, मगर हमेशा वो बोलती रहती थी कि तुम हर किताब पढ़ती है, मगर सिर्फ ये जो बच्चों लोगों का बाइबल है कभी नहीं पढ़ती है। तो ऐसे वो बोलती गई, तो उसको चुप कराने के लिए मैंने ये जो बच्चों लोगों का बाइबल है, जो बस कहानी है बेसिकली, उसमें वो सच्चाई का बाइबल नहीं है, तो मैं ऐसे पढ़ना चालू किया। मैं ऐसे पढ़ के मेरे को कुछ ना कुछ समझ में नहीं आया, तो
तो मैं ऐसे बस मेरा दोस्त को बताया कि हाँ मैंने बाइबल पढ़ लिया है और मेरे को कहानी पसंद है, मगर सच्चाई जो है मेरे को कुछ पता पसंद मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था, ना ही मुझे पसंद आया था। मगर उसको बोलने के बाद मुझे इतना जैसे कि गिल्टी फीलिंग होने लगा। मेरा दिल में ऐसे हमेशा ऐसे ये आता था कि मैंने क्यों झूठ बोला, मैंने क्यों ऐसे उसको बताया कि मैंने बाइबल पढ़ा है जब मैंने नहीं पढ़ा है। तो ऐसे जब मेरे को लग रहा था, हर साल मेरे स्कूल में जो कुछ लोग आके बाइबल वितरण करते थे, तो मैंने कभी वो नहीं पढ़ा। हमेशा बाइबल जो है लेके आती थी घर, घर में लेके आती थी और ऐसे रख देती थी, कभी नहीं पढ़ती थी मैं। वो साल में जब मेरे दिल में ऐसे महसूस होने लगा कि मैंने क्यों झूठ बोला कि मैंने बाइबल पढ़ी है, वो जो बात को मैंने सच्चाई में बदलने के लिए मैंने सोचा कि ठीक है मैं बाइबल पढ़ लेती हूँ, क्या होगा। तो मैंने बाइबल पढ़ना चालू किया। पहले मैंने वो जो बाइबल था वो सिर्फ नया नियम था, बाइबल का दो अध्याय है, एक पुरातन नियम है एक नया नियम है, तो उसमें सिर्फ नया नियम था। तो वो नया नियम में मैंने पहले जब पढ़ना चालू किया तो मेरे को लगा कि हाँ यीशु मसीह जो है वो हमारा एक धार्मिक गुरु के माफिक है। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में काफ़ी सारा गुरु है जो अच्छे काम करते थे, जो बहुत सारा चमत्कार काम करते थे, और हमेशा क्या है ना, जैसे कि सोच लो ये हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट यानी चैतन्य महाप्रभु, उनका जो विचार है वो हमेशा प्यार के बारे में बताते थे, वैसा ही यीशु मसीह बहुत सारा ऐसे अच्छा शिक्षा दिया है। और आखिर में जैसे चैतन्य महाप्रभु को भी किसी को पसंद नहीं था और उसको वो आखिर में वो समुंदर में चले गए, वैसे ही यीशु मसीह को किसी को पसंद नहीं था तो उसको क्रूस में डाल दिया गया। ये मेरा विचार था कि हाँ, और उसका जो शिष्य लोग है वो ये क्रिश्चियन धर्म को ऐसे चालू किया है। तो मेरे को ऐसे ऐसे में मेरे को फीलिंग हुआ और ऐसे ही मेरे को पता था, तो ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे ही मेरे को लगा। फिर पढ़ते पढ़ते मैं रोमियो लिखित जो एक रोमियो बोल के एक किताब है बाइबल में, इंग्लिश में उसको रोमन्स बोलते हैं, हिंदी में रोमियो की पत्री बोलते हैं। तो ये रोमियो की पत्री में हम जब पढ़ना चालू किया उसमें वो पढ़ते हुए परमेश्वर मेरे दिल में काम करना चालू किया। तो अगर आप कभी भी आपके पास कोई किसी ने बाइबल दिया है और अगर वो आप पहले जो मत्ती मार्क लूक यूहन्ना के सुसमाचार पढ़ते हैं तो उसमें आप यीशु मसीह के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसके शिक्षा के बारे में, उसके मौत के बारे में, उसके पुनरुत्थान के बारे में आप पढ़ेंगे, मगर जब आप रोमियो की पत्री में आएंगे तो उसमें आप देखेंगे एक अलग है। क्या अलग है? तो मैं जब पहले अध्याय में गया, रोमियो के पहले अध्याय में लिखा है कि कैसे हम लोग पाप में, हमारा समाज डूबा हुआ है ना, कि आप कोई भी कभी भी देखो हर घर में हमेशा भाई भाई में झगड़ा, सासू माँ और बहू में झगड़ा, हर घर में हमेशा कोई शांति नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारा जो समाज का जितना भी सच्चा जो एक इमेज है वो एकदम कोई, जैसे कि कोई कोई अब धर्म की किताब में पढ़ोगे एकदम सब कुछ लगता है कि एकदम बढ़िया है, एकदम सब कुछ कहानी के माफिक है, मगर ये जो है एकदम सच्चाई को निकाल के लाता है कि हम लोगों का जो दिल है वो क्या हो गया, पूरा पूरा गंदा है, काला हो गया, क्योंकि हम लोग परमेश्वर जिसको दिखाई नहीं देता है, जिसको हम छू नहीं सकते, जो एक ऐसा परमेश्वर है जिसका कभी ख़त्म नहीं हो सकता है,
उसका हम लोग क्या किया, उसका हम लोग परिवर्तन करके एक हम लोग मूर्ति बना दिया। हम लोग को भी पता है हिंदू में जो परमेश्वर जो है आत्मा है, मगर जैसे कि हर दुर्गा पूजा के समय में हम लोग याद करते थे कि हाँ पहला जो मूर्ति बनाया गया था वो हम लोगों का लाइक परपिता ने बनाया था, है ना। आप देखो, आप कोई भी वेदा या फिर ऐसे पढ़ोगे, आपको तो पता होगा कि पहले के ज़माने में वो लोग जो नेचर वर्शिप यानि पेड़ का पूजा, सूरज का पूजा, चांद का पूजा, ये सब करते थे, मगर उसके बाद वो लोग मूर्ति बनाना चालू किया। और परमेश्वर का वचन बाइबल में बताते हैं कि हम लोग परमेश्वर को नहीं पूजा करके हम लोग जो हम लोग हाथ से बनाया है वो हम पूजा करते हैं। और तब मेरे दिल में एक सवाल आया कि हाँ सोचो, अगर मेरा मम्मी पतली है, लंबी है, काली है, तो मुझे बोलने का कोई हक नहीं है कि मेरे मम्मी को गोरा, नीला आँखें, बहुत ऐसे कुछ देखने में होना चाहिए, क्योंकि मेरा जन्म उन्होंने दिया है, मैं उनको जन्म नहीं दी कि मुझे बोलने का हक है कि ऐसा होना चाहिए। तो परमेश्वर ने हमको बनाया, मुझे क्या बोलने का हक है कि परमेश्वर कैसा दिखना में दिखने में होगा। तो ये जब हम पढ़ रहे थे, हमको ऐसे सोचा कि हाँ हम लोग ऐसे समाज के पूरा परमेश्वर से दूर चले गए। फिर दूसरे अध्याय में मेरे को समझ में आया कि हम जो समाज के पुजारी है, समाज के जो शिक्षक है, हम लोग एक जो हम लोग का जो गोत्र है, हम लोग का जो जाति है, हम लोग परमेश्वर से दूर चले गए। पहले जैसे हम बता रहे थे कि हम लोग ब्राह्मण हैं, तो फिर हम लोग क्या करते, दूसरे जो जाति के लोग, जाति नहीं, दूसरे जो कास्ट के लोग, जैसे कि क्षत्रिय या फिर वैश्य या फिर शूद्र या फिर दलित लोगों को हम लोग हमेशा नीचा करके देखते हैं। क्यों, किसने ये हम लोग को अधिकार दिया कि हमको हम बोल सकते कि हम सबसे अच्छा है। तो बाइबल में ऐसा बोलते हैं कि हम लोग जो है अंध है, हम लोग को दिखाई नहीं देता है, और हम लोग दूसरे को, हम दूसरे लोगों को ये हम मौत के और या फिर जो एकदम नरक की ओर भेज देते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम लोग अंध हैं, हम लोग कैसे दूसरे लोगों को मार्ग दिखा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि ये सब जो रूल्स है, ये जो नियम है, मेरे परपिता ने बनाया, हमारे परपिता ने बनाया, ये तो किसी ने ये जो ऐसे हम लोग को सबको पता है कि ये सब लोगों ने बनाया, फिर भी हम लोग मानते हैं, फिर भी हम लोग उसको लेके झगड़ा मारपीट करते हैं। फिर तीसरे अध्याय में जब हम आए, हमको हम ये जो है वो जैसे कि कैमरा को मेरे अंदर के और तरफ दिखाया कि मैं जो है, मैं जो हूँ पापी हूँ, मैं दिमाग से मैं गलत चिंता किया, हम आँखों से मैंने गलत दृश्य देखने के लिए मेरे को मन चाहता है, हाथ से मैं जब बचपन में थी मैं चोरी की, बड़ा चोरी, कुछ कोई डाका नहीं डाली, मैं कोई बैंक नहीं लूटा, मगर छोटा वो जो चोरी है या फिर किसी को घूसा मारते वो भी गलत है। हम जब गलत सोचते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ झूठ बोलने के लिए हम लोग प्लान करते हैं, वो भी गलत है, है ना। तो परमेश्वर ये सब देख सकते हैं, और परमेश्वर बोलते कि हम उनके इच्छा के तरह और उनके इच्छा हम लोग उसके जो स्टैंडर्ड है, उसके जो मार्ग है, उसमें हम लोग नहीं चल रहे, हम उनसे बहुत दूर चले गए। और मैंने सोचा कि मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि ठीक है मुझे ये ध्यान करना है, ये सब मैं करती हूँ,
मगर परमेश्वर जो पवित्र है, जो मेरा दिल को दिल में झांक सकते हैं, ये सब देख सकते हैं, वो कैसे हमको स्वीकार कर सकते हैं? अगर वो पवित्र है, वो हमको कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अगर वो स्वीकार कर रहे, मेरा जो फूल है, मेरा जो हम खाना दे रहे, ये सब स्वीकार कर लेते, तो फिर वो पवित्र नहीं है। अगर वो पवित्र नहीं है, तो वो परमेश्वर नहीं है, नहीं हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर हमको सबको पता है, हमको बाइबल पढ़ने का ज़रूरी नहीं है कि हमको समझ में आए कि परमेश्वर पवित्र है। अगर परमेश्वर पवित्र है, तो वो मुझे कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो कौन है? वो याजक है। जो याजक है, वो कभी पाप को स्वीकार नहीं कर सकते। उसका जो पवित्र स्टैंडर्ड है, उसके बहुत नीचे है हम लोग। हम लोग कोई भी हम लोग में परफेक्ट नहीं है, है ना? फिर तो मैंने सोचा कि फिर मैं क्यों कर रही हूँ ऐसे। मैंने ऐसे मेरे दिल में ऐसे प्रश्न आया, मगर मैं फिर भी ये किताब पढ़ती गई। फिर ये किताब में 5वीं अध्याय में 7 और 8 पद, उसमें प्रभु ने मेरे दिल को छू लिया। 7 पद में ऐसा लिखा है कि कोई भी एक अच्छा आदमी के लिए मर सकता है, एक भला आदमी के लिए कोई भी जान देने के लिए तैयार हो सकता है, मगर कोई बुरा आदमी के लिए जान नहीं देता है। मगर परमेश्वर ने अपना प्रेम ऐसे प्रदर्शन किया कि जब हम पापी थे, तब यीशु मसीह मेरे लिए, हम सब के लिए मारा गया। तो ये सुन के मेरा थोड़ा ऐसे, मैं कुछ समय के लिए मैं कुछ दूसरा सोच नहीं पाई। मैं पूरा एकदम शॉक हो गई कि मैं जब पापी थी, तो परमेश्वर को क्या करना है? जैसे कि गीता में लिखा है 4वीं अध्याय में 7 और 8 पद में, यदा यदा धर्मस्य ग्लानी भवति भारत अद्भुत्यानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजमृहम परित्राण साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय स्वंभवामी युगे युगे। यानी हर युग में परमेश्वर आता है जो अच्छे लोगों को है उसको बचाने के लिए, और जो बुरा लोगों को उन लोगों को नाश करने के लिए। मगर ये जो हम बाइबल में जब पढ़ रहे थे, एकदम उसका उल्टा है कि जब हम पापी ही थे, वो समय में यीशु मसीह मेरे पापों के खातिर, मेरे खातिर उन्होंने मेरा पाप को लेके मारा गया। मेरा जो पाप का जो सजा है, जो मेरा पाप का जो के लिए मुझे जो मरना है, नाश होने का है, मगर वो क्या है? उन्होंने मेरे पाप के लिए वो मारे गए। तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जैसे कि पूरा आप सोचो, जो रामायण का जो लिखा है वाल्मीकि, वो जब एक दशरथ जो एक रॉबर थे, तो वो समय में उसके पास जब कोई साधु आया, उन्होंने बताया कि तुम ये सब कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, इसका जो पाप का जो सजा कौन भुग देगा? तो वो अपने परिवार में गए, हर एक ने ना कर दिया, तो उसको समझ में आया उसका जो पापों की जो सजा है वो कोई नहीं लेगा। मगर यहाँ पे जब हम हिंदू जैसे कि कुछ हर एक वेदा या फिर कुछ भी पढ़ते, हमको मेरे पापों के लिए मरना है, तो फिर जितना भी हम कोशिश करें, जितना भी हम मेरा जन्म हो ना क्यों, हम लोग छोटा बड़ा पाप तो करते हैं, मगर उसके लिए हम कभी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। मगर यीशु मसीह ने बताता है कि जब हम पापी ही थे, वो मेरे लिए, जो परमेश्वर मेरे लिए एक मानव रूप लेके इस दुनिया में आए, जो कोई पाप कभी नहीं कर सकते, परमेश्वर कभी पाप नहीं कर सकते, तो
उसको मरना नहीं था, मगर वो मेरे पापों के लिए वो मारे गए। और बाइबल ऐसा बताते हैं कि वो सिर्फ मारे गए नहीं, वो गाड़े गए। और आप कोई भी कुछ भी किताब पढ़ लो, कोई भी स्टोरी पढ़ लो, कोई भी धर्म के बारे में पढ़ लो, जैसे कि जो ये युधिष्ठिर, जो हम लोग बोलते जो हमेशा अच्छा करते, सिर्फ एक झूठ, हाफ झूठ बोला था, आधा झूठ बोला था, मगर उसको भी नरक जाना पड़ा। मगर परमेश्वर जब दुनिया में आए, जिसका नाम यीशु मसीह है, यीशु माने जो हमको हमारे पापों से बचाते हैं, जो उद्धार करता है, मसीह माने जिसको चुना गया है, वो यीशु मसीह आपका और मेरा पाप लेके वो क्रूस में चढ़ा, वो मारा गया और वो तीसरा दिन जी उठा। कोई भी देव देवी के बारे में आप पढ़ लीजिए, कहीं पे भी आप देख सकते हैं कि कोई भी मरने के बाद जीवित हो सकता है, हुआ है नहीं हुआ है। कृष्ण मरा, जब मारे गए, उसके बाद उसका जीव नहीं जी उठे। रामा कृष्ण मारे गए, वो भी कभी मौत से जीत के वो कभी वापस नहीं आ सके। कोई भी किसी के भी बारे में आप पढ़ लीजिए, सिर्फ यीशु मसीह जो है वो मृत्यु को विजय होकर, मृत्यु से विजय होकर वो जी उठे और वो अपने शरीर में वो स्वर्ग में गए। और फिर वो बताते कि अगर आप और हम उन पर विश्वास करते, वो हमारा पाप को क्षमा करते और हमको उनका पुत्र होने के एक वो अधिकार देते। तो जब मैंने ऐसे पढ़ा कि ये रोमियो के पत्री 5:8 में जैसे लिखा है, परमेश्वर अपना प्रेम ऐसे प्रदर्शन करता है। हर एक धर्म में बोलते कि अगर तुमको उद्धार पाना है, आप ये करो वो करो, आप 7 बार आप पूजा ये प्रार्थना कीजिए, आप ये किताब पढ़िए, ये कीजिए वो कीजिए। हर एक धर्म में क्या बोलते हैं, ये कीजिए वो कीजिए, अच्छा काम कीजिए, हर चीज़ हमको करना है ना। मगर अगर हम एक जैसे कि एक मेरे दिमाग में ऐसा एक बात आया कि सोच लीजिए कि मैं यहाँ से मैं स्कूल ख़त्म करके मैं घर वापस जा रही हूँ, तो जब मैं जा रही हूँ तो वहाँ पे किसी को मेरे से ऐसे मुलाकात होता है और मैं फिर उसको बताते हैं कि भाई मेरे को बहुत भूख लगा है, कहाँ खाने को मिलेगा, कैसे मैं मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है, तो वो बोलेंगे क्या, भाई यहाँ से बाएं तरफ जाइए, वहाँ पे एक दुकान है, तो वहाँ पे आपको कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। तो जो लोग हैं ऐसे बता दे कि ये कीजिए तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अगर हम घर जाते और अपने माँ को बताते कि माँ मुझे बहुत भूख लगा है, कुछ खाना अगर है तो वो तुरंत निकाल के हमको दे देंगे, अगर नहीं है तो वो खुद पका के हमको दे देंगे, नहीं बोलेंगे कि ठीक है काम कर तू चावल लगा ना, फिर ये प्याज को काट, ये कर वो कर, फिर खाना क्यों मिलेगा। तो ये फ़र्क है धर्म और जो हमारा हमको सृष्टि किया कर, कर, वो एक जो दोस्त है या फिर कोई भी आदमी जो हम जिसको हम रास्ते में देखते हैं, कोई भी लोग हमेशा बोलेंगे जो धार्मिक गुरु के जैसे कि आप ये करो वो करो, मगर जो हमारा हमको सृष्टि किया है वो परमेश्वर, वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए अपना जान दे दिया, तुमको कुछ करने का ज़रूरी नहीं है, तुम बस मुझ पर विश्वास कर, उतना ही काफ़ी है कि मैं कौन हूँ, वो मान उतना ही काफ़ी है। तो ऐसे मैंने जब पढ़ा तो मेरा दिल पिघल गया कि मैं इतना सारा देव देवी को मैंने पूजा करती थी, मगर कोई भी आप देख लो, आप कोई भी धर्म में देखो,
कभी भी कोई भी देव देवी, कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर जिसके बारे में हम लोग पढ़ते जानते कभी भी हमारे पापों के लिए कुछ किया है? नहीं किया है। हमेशा बोलते कि तुम ये करो, तुम इसको छोड़ दो, तुम हमेशा हम लोगों के ऊपर दे देते हैं। मगर सिर्फ बाइबल में परमेश्वर बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, तुम बस मुझ पर विश्वास कर। तो ऐसे में पढ़ते पढ़ते मैं बस यीशु मसीह पर विश्वास किया। और फिर जैसे कि हम पढ़ते गए हमको पता चला कि हाँ, हमको उन्होंने बुलाया है, हमको उन्होंने चुना है ताकि एक दिन हम उनके साथ रह सकते हैं, उनके साथ हम स्वर्ग में जाने के लिए हमको चुना है। अगर आप आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप मानते कि हाँ, हम जब आपको समझ में आता है कि हाँ हम पाप किया है, ऐसा नहीं है कि हम एकदम परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम भी नहीं थे, आप भी नहीं है, मगर अगर आप ऐसे मानते कि हाँ हम परमेश्वर को वो ऊंचा स्टैंडर्ड को हम नहीं पहुंच सकते, मगर परमेश्वर मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा है, और वो बोलते कि अगर तू मुझ पर विश्वास करते है तो तुम्हें उद्धार ज़रूर मिलेगा, मैं तुम्हें उद्धार देती हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। तो अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, तो आप ये भी विश्वास कर सकते हैं यीशु मसीह के वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार, कि आप ज़रूर स्वर्ग जाएंगे। तो ऐसे में पढ़ते पढ़ते मैंने क्या किया, बस ऐसे यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा। और तब एक समय आया कि एक घर में एक पूजा जैसे था, तो जब हर समय में मैं सबसे ज़्यादा उत्सुक थी कि हाँ ये पूजा आ रहा है, ये करना है, वो करना है, मगर ये जब पूजा आया मैंने उतना ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। तो मगर फिर मेरा दादाजी ऐसे पूजा घर में बैठे तो हमको बुलाया, तो मैं जब आई तो मैं जब वहाँ गई तो मेरे को दादाजी जी ठीक है इधर बैठ, और पूजा में भाग लेने के लिए, अंश लेने के लिए उन्होंने बताया। ये वचन मेरे दिल में आया मत्थी के 6 में, मत्थी लिखित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में ऐसा लिखा है कि कोई मनुष्य 2 स्वामी को सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। तो मैंने सोचा कि मैं दोनों को मैं सेवा नहीं कर सकती, मैं ऐसे देव जो मूर्ति को पूजा और सच्चा जो परमेश्वर है उसका सेवा मैं एक साथ नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि जो यीशु मसीह है वो मेरे लिए अपना जान तक दे दिया, और ये जो मूर्ति है वो हमारे लिए क्या किया है, मेरे लिए कुछ नहीं किया है। तो मैंने सब मूर्ति पूजा वगैरह मैंने बंद कर दिया अपने से। उस समय में मैं कोई भी मसीही को मुझे कोई जानकारी नहीं था, एक भी क्रिश्चियन को मैं नहीं जानती थी, मगर जो ईश्वर का वचन जो बाइबल है उससे ही बस मुझे मसीहत के बारे में या फिर यीशु मसीह के बारे में या फिर क्रिश्चियनिटी के बारे में मुझे जानकारी मिलती थी। तो मैंने ऐसे सब मूर्ति पूजा वगैरह मैंने बंद कर दिया। तो उस समय मेरा परिवार को समझ में आया कि हाँ कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने उनके दिल में बहुत ऐसे सवाल आया, उन्होंने सोचा कि हाँ कोई मेरे को ब्रेन वॉश कर दिया। मगर सच्चा जो बात है मैं एक भी मसीह को नहीं जानती थी, जो कैथोलिक जो मेरा दोस्त था उस समय वो कभी भी बाइबल पढ़ी नहीं थी, मगर ये जो परमेश्वर का वचन है बाइबल जो है वही सब सिर्फ मेरे दिल में काम कर रहा था। परमेश्वर अपने वचन से मेरे साथ बात कर रहा था और मुझे ये सब बात बारे में इसके बारे में सिखा रहे थे। तो जब मैंने ऐसे मूर्ति पूजा वगैरह छोड़ दिया तो मेरे परिवार में सबको बहुत ऐसे चोट आया कि हाँ मेरे लड़की जो है दूसरा धर्म की तरफ जा रहा है। कि मैंने बताया आपको पहले कि मेरा जो दादाजी है वो फ्रीडम फाइटर है,
मैंने वो अपने देश के लिए उन्होंने जंग किया था ब्रिटिश लोगों के खिलाफ में। मेरे परिवार में और भी ऐसे लोग थे जो ऐसे फ्रीडम फाइटर थे, तो वो परिवार में तब मेरा दादाजी ने, उनको दिल में बहुत चोट आया कि वो, उनको लगा कि हाँ मैंने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ मैंने अपना जान तक ऐसे मैं लागू कर दिया, मगर मेरा जो पोती है वो ब्रिटिश लोगों का परमेश्वर को पूजा कर रहा है। मगर उनके दिल में ऐसा लगा कि मगर ये जो सच्चाई जो मुझे पता था कि ये परमेश्वर ब्रिटिश लोगों का परमेश्वर नहीं है, वो सबका परमेश्वर है, उन्होंने आपको हमको सबको बनाया है, तो हम लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये दूसरा कोई विदेशी धर्म है, क्योंकि परमेश्वर तो एक ही है ना, परमेश्वर सिर्फ एक है, उसको हम देख नहीं सकते, शायद उसके बारे में हमको पता नहीं हो था, मगर वो ही सच्चा परमेश्वर है, और जिसके बारे में अभी हमको बाइबल पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि जो हम आपके मेरे लिए अपना जान क्रूस पे चढ़ा दिया, इतना दुख इतना कष्ट उन्होंने मेरे आपके लिए सहा। जब बाइबल में मुझे हमेशा ऐसे याद आ रहा था तब कि उन्होंने कितना दर्द सहा, जब हम गलत काम किए उनके माथे में लोग क्या किया, ऐसे कांटों का एक ताज पहना दिया, उसे पहनाया नहीं, वो कांटों को ताज ऐसे मार मार के उसके दिमाग उसके ये जो घीलों में ऐसे घुसा दिया उसके माथे पे। जब हम लोग बुरा बात बोला, हम लोग झूठ बोलते गाली देते, उन्होंने अपने मुंह में लोगों का थूक उन्होंने स्वीकार किया, उसके जो दाढ़ी है उसको फाड़ लिया गया, हम लोग चोरी करते मारा मारी करते उनके हाथों में कीले ठोके गए, हम परमेश्वर से दूर चले गए, उनके पैरों में कीले ठोके गए, सर से पैर तक उन्होंने आपके और मेरे जगह क्रूस पे लिया, कितने लोग उनके उनको कितना कुछ बोला, कितना गंदा बात बोला, मगर सब कुछ सह लिया सिर्फ आपके और मेरे खाते, क्योंकि वो आपको और मुझे इतना प्यार करते हैं। तो ऐसे में पढ़ते पढ़ते मैं यीशु मसीह से और भी प्यार करने लगी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए प्यार किया, उन्होंने आपको और मुझे प्यार किया। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते जब मैं एक वचन है, जब घर में सब इतना मेरे से दुख जैसे कि दूर चले गए, हमेशा घर में झगड़ा होता था, हमेशा मेरे पापा को लगता था कि हम दूसरे देश के भगवान को पूजा कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि ये देश में है तो इस देश में सरस्वती को पूजा करना है या फिर लक्ष्मी को पूजा करना है, मगर तुम अगर तुमको जरूसलम जाना है तो वहाँ जाके यीशु मसीह को पूजा करो, मगर सच्चा परमेश्वर तो पूरा दुनिया का परमेश्वर है ना। तो ऐसे वचन में आया कि अगर तुम्हारा पिता माता भी तुम्हें छोड़ दे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर ऐसे बताता है अपने वचन में। तो हर समय में परमेश्वर अपने वचन से मुझे उत्साह देते थे, जब इतना मुझे भी दिल में बहुत दर्द होता था कि मेरा जो खुद का परिवार है उनको ये सच्चाई समझ में नहीं आ रहा है, मगर मुझे इतना पता है कि परमेश्वर मुझ जैसे नालायक को, मुझ जैसे पापी को चुना है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं हम लोग पापी क्यों है, जैसे मेरा पापा बोलते हैं हम पापी नहीं हैं, मगर सच आप अपने दिल में झांक के बोल सकते, कभी आप कोई झूठ नहीं बोला, एक कोई आप में से एक भी आदमी बोल सकते कि कभी हम झूठ नहीं बोला, कभी कोई गलत काम नहीं किया। परमेश्वर बोलते कि एक छोटा झूठ भी, छोटा पाप भी पाप है, एक इतना बड़ा एक एक ये कप लेके इस कप में अगर हम दूध से भर देते एक बूंद, हम यहाँ पे हम पॉइजन या फिर अगर हम लोग कुछ जहर इसमें हम डालते हैं
अब फिर ये कब से आप चाय पियोगे या फिर ये दूध पियोगे? नहीं पियोगे ना, क्योंकि ये पूरा जो दूध है वो जहर बन जाता है। वैसे हम पूरा अगर अच्छा काम भी करते हैं, मगर एक गलत काम करते हैं वो भी पाप है परमेश्वर की आँखों में, और वो पाप के खातिर उसका जो ऊंचा जो वो जो पवित्र है, वो पवित्रता के खातिर वो कभी हमको स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे पढ़ते पढ़ते जब मेरे को समझ में आया कि मुझ जैसे नालायक को प्रभु ने चुना है, आप जैसे लोगों को भी प्रभु आज बुला रहे हैं। परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन जब हम को पूरा जब हम बाइबल मुझे मिला तो यहाँ पे ऐसा लिखा था कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते वो पानी में डुबकी लगा के बपतिस्मा के द्वारा सबको बताते हैं कि हाँ हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो कोई धार्मिक कुछ कन्वर्शन नहीं है, उद्धार पाने के लिए नहीं है। तो यीशु मसीह ने यानी फिर परमेश्वर ने मेरे दिल में भी बताया कि हाँ तुमको मैंने तुम्हारे वास्ते सबके सामने सूली पे चढ़ा, क्या तुम मेरे वास्ते पानी में डुबकी लगा के बपतिस्मा के द्वारा सबको बताओगे कि हाँ हम यीशु मसीह पर विश्वास किया है? तो जब मेरे दिल में ऐसे परमेश्वर काम करने लगे तो मैंने बोला कि ठीक है परमेश्वर, हम करेंगे ऐसे। मेरा पापा ने बताया था कि जिस दिन तुम बपतिस्मा लोगे उस दिन मैं तुम्हें त्याग दूंगी। तो मेरे को दिल में दुख तो लगा था, मगर मेरे को जो है मैंने सोची कि अगर परमेश्वर मेरे लिए जान दे सकता है तो क्या मैं परमेश्वर के लिए इतना नहीं कर सकती? तो मैंने सोचा कि ठीक है परमेश्वर, आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु मैं बपतिस्मा ले लूँगी, आपका मैं जो आपका जो कमांड है आपका जो आज्ञा है वो मैं पूरा करूँगी, मगर अभी मैं पिता माता को नहीं बताऊँगी, जब सही समय में मैं उनको बता दूँगी। तो एक समय उसके बाद होली का समय आया तो मैंने बपतिस्मा ले लिया। फिर होली के समय में मेरा जो एक पड़ोसी है उन्होंने आके बताया कि शताब्दी तुम होली खेलने के लिए आ रहे हो? तो मैंने बताया कि नहीं आ रही हूँ। तो उन्होंने बताया क्यों? मैंने बताया कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ तो मैं होली के लिए खेलने के लिए मैं नहीं आ रही हूँ। तो बोला कि तुम बपतिस्मा ले आए क्या? तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकती, अभी प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास किया है तो उनको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। तो मैंने बताया हाँ जी। तो उस समय मेरे परिवार को ऐसे पता चला, उनको इतना दुख लगा। मगर ये प्रश्न था कि मैं किसका मैं बात में मानूँ, परमेश्वर का या फिर जो पिता माता मुझे परमेश्वर ने दिया है उनका? सबसे बड़ा तो परमेश्वर है ना, तो मैंने उनका बात माना। मगर मेरे को पता था मेरे पिता माता को भी बहुत दुख लगेगा और उनको दुख लगा, मगर फिर भी उन्होंने हमें त्याग तो नहीं दिया, मगर उनके बस थोड़ा ऐसे उनका और मेरा जो रिलेशनशिप में थोड़ा दूरी आ गया था। तो हमेशा मुझे क्या है, परमेश्वर अपने वचन से उनके और भी पास लेके आता था, ऐसे मैं उनके पास होते गई, मैं चलती गई ऐसे उनके पीछे, उनके वचन पढ़ते पढ़ते उनको मैं और भी जानने लगी। तो ऐसे मैंने प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना चालू किया। पुरातन नियम में जब हम पढ़ते यहेजकेल की किताब 33 का अध्याय में चैप्टर 33, वहाँ पे लिखा है कि जब जो पहरेदार देखते हैं कि शत्रु आ रहा है और वो लोग नरसिंह नहीं फूंकता है ताकि लोगों को पता चले कि उसका नाश आ रहा है, तो वो लोग तो जो लोग हैं वो अपने पापों के लिए मरेंगे, मगर उसका खून का लेखा जो है परमेश्वर वो पहरेदार से लेगा। यानी
परमेश्वर मेरे दिल में बात किया कि तुमको पता है कि शत्रु आ रहे हैं, वो लोग नाश के और जा रहे, लोग अपने पापों के लिए वो लोग नरक जा रहे, मगर अगर तुम उनको नहीं चिताने देते हो, उन लोगों को नहीं बताते हो कि हाँ एक सुझाव है, हाँ एक उपाय है कि अगर तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तुमको नरक नहीं जाना है, तुमको नरक जाने का ज़रूरी नहीं है, तुम अगर ये चेतावनी नहीं देते हो तो फिर उनका जो खून का लेखा परमेश्वर हमसे भी मांगेंगे, हमको बताएंगे कि तुमने क्यों नहीं बताया। तो ये हम जब पढ़े तो परमेश्वर मेरे दिल में ऐसे बात किया कि हमको यीशु मसीह के बारे में सबको बताना है, क्योंकि उद्धार का मार्ग बस एक ही है, वो है यीशु मसीह। कोई भी आपके और मेरे पापों के लिए नहीं मारा गया, हमारा पाप को क्षमा करने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ यीशु मसीह ने। और ये जो सच्चाई है, ये जो खुशखबरी है, हमको सबको बांटना है। तो इस सेवा में परमेश्वर हमें बुलाया। तो मेरा पापा जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में है, वो बहुत बड़ा एक पोस्ट में है और उनके अंडर उनके नीचे बहुत लोग काम करते हैं। हमेशा वो लोग हमको देखते थे कि यहाँ में कलकत्ता में ये जगह में वो जगह में, ऐसे हम मसीह के बारे में पत्री हम लोगों को देते थे यीशु मसीह के खुशखबरी के बारे में, और वो हमारे पापा को जाके बोलते थे। जो मेरा पापा एक गुरु है, लोगों को लोग उनके गुरु उनको गुरु मानते हैं, उनको बहुत दुख लगता था कि मेरी बेटी जो है यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा है। मगर जो सच्चाई है कि यीशु मसीह के बारे में अगर हम प्रचार नहीं करते और नहीं कर रहे हैं तो फिर लोग नरक जाएंगे, क्योंकि हम लोग अपने पापों के खातिर हम लोग नरक जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर चाहते कि हम लोग नरक जाए, उसके खातिर उन्होंने मानव रूप लेके आपके और मेरे लिए मारा गया। तो भाई बहनों, मेरा बस ये बोलना है कि मेरा जो ये गवाही है वो सच्चा गवाही है। ये आप लोगों को ये बताने के लिए मेरा इच्छा है कि अगर आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इतना आप जान लीजिए कि परमेश्वर आपका पाप को क्षमा करेगा, क्योंकि आपने वो क्षमा का मार्ग अपने चुना है। अगर आप काम के द्वारा आप परमेश्वर को खुश करने के लिए आप चाहते हैं तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि अच्छा काम करने के साथ हम लोग बुरा काम भी करते हैं, और परमेश्वर जो पवित्र है वो हमको ये बुरा काम के लिए कभी स्वीकार नहीं कर सकते। मगर अगर आप आज अभी आप ये बोलते हैं कि प्रभु जी हमको पता है हम पापी है और सिर्फ आप ही है जो मेरे पापों के लिए मारे गए, आज मैं आपको हमारे दिल में ग्रहण कर रहा हूँ या ग्रहण कर रही हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए, हमारा पाप को आप क्षमा कीजिए और आप हमें अपना पुत्र या फिर पुत्री होने का अधिकार दीजिए। अगर आप ये दिल से बताते प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को, तो आप ज़रूर स्वर्ग जाएंगे, आपका ज़रूर आप पाप से आपको क्षमा मिलेगा, आप के साथ परमेश्वर का एक नया एक संगति होगा और आपका जो परमेश्वर आपको पुत्र या फिर पुत्री बोल के मानेगा, आप उनको पिताजी बोल के पुकार सकते हैं और आपका हर देखभाल वो करेगा। ऐसा नहीं है कि आपका जीवन एकदम आराम से भर जाएगा, नहीं, क्योंकि वो मसीही जीवन नहीं है। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, इतना दुख सहाया, तो मसीही जीवन भी उतना आसान नहीं है। मगर हमेशा क्या है, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारा साथ हमेशा के लिए हूँ, हर तकलीफ़ में हर दुख में कभी नहीं
छोड़ेंगे आपको, ये उनका वचन है। अगर आपका कोई प्रश्न है आप हमारा ये कमेंट में आप डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपका ये हर एक सवाल का हम उत्तर देने के लिए हम कोशिश करेंगे। मगर सबसे अच्छा जो है आप ये बाइबल पढ़िए, आप परमेश्वर का वचन आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके साथ बात करेगा, क्योंकि वो अच्छा शिक्षक है, वो सबसे बढ़िया है। तो आप के सामने मैं ये किताब के बारे में पेश करती हूँ कि आप ये बाइबल पढ़िए तो आपका हर एक वो सवाल इससे उत्तर मिले जाएगा। आप सबको और एक बार धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरा ये गवाही सुनने के लिए आपने समय निकाला, और आपके लिए मैं दुआ करती हूँ कि आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु के नाम के धन्यवाद।